राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की हवा जहरीली हो गई है। घर पर, घर से बाहर निकलते वक्त आप इसे महसूस भी कर रहे होंगे। हर तरफ धुआं ही धुआं है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ आंखों से पानी आने जैसी परेशानी भी हो रही है। इस बीच गुरुवार शाम केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने बड़ा फैसला किया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में GRAP 4 को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में कुछ नई पाबंदियां लगाई गई हैं। इसमें BS4 तक की डीजल कारों पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रकों की दिल्ली में एंट्री भी रोक दी गई है। सबसे पहले जान लीजिए कि गुरुवार को राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। सीधे शब्दों में अब दिल्ली की हवा जहरीली हो चली है। गुरुवार शाम को दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया था, जिसने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। मौसम संबंधी जानकारी देने वाली एजेंसी सफर के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का AQI 450 के करीब रहेगा, वहीं नोएडा में ये 500 के पार जा सकता है। मतलब हालात और बिगड़ सकते हैं। गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक की वजह से अब दिल्ली में फिर से ऑड इवन लागू होने और स्कूल बंद होने की आहट सुनाई दे रही है, जिसकी मांग BJP और कांग्रेस द्वारा भी उठाई जा रही है। वायु गुणवत्ता आयोग CAQM ने अपने आदेश में भी बच्चों, बुजुर्गों और जिनको सांस लेने से दिक्कत है उनको घर से ना निकलने की हिदायत दी है। कहा गया है कि ये लोग जितना हो सके बाहर निकलने से बचें और घर पर ही रहें। दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर रोक सिर्फ वो ट्रक आ पाएंगे जो आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े हों, या फिर ये ट्रक आ पाएंगे जो CNG या बिजली से चलते हों। दिल्ली नंबर प्लेट वाले मध्यम माल वाहन और भारी माल वाहन जो कि डीजल से चलते हों उन पर भी रोक रहेगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े ऐसे वाहन को छूट रहेगी। डीजल से चलने वाले हल्के चार पहिया वाहन पर भी दिल्ली और राजधानी से सटे NCR के इलाकों में बैन लग गया है। डीजल वाले BS6 वाहन और आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े डीजल वाले हल्के वाहन ही चल पाएंगे। NCR में सभी तरह के उद्योगों पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि दूध डेयरी से जुड़े उद्योग नहीं रोके जाएंगे। जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, दवाओं आदि से जुड़े उद्योगों को भी छूट रहेगी। निर्माण और विकास के कामों पर दिल्ली NCR में रोक रहेगी, जैसे हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइंस आदि का काम नहीं होगा। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा या नहीं, इस पर फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। निर्देश के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम हो या नहीं, इस पर फैसला दिल्ली और NCR में आने वाले शहरों की राज्य सरकारों को करना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम का फैसला केंद्र सरकार को करना है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद होंगे या नहीं, इस पर भी फैसला राज्य सरकारों को करना है। इसके अलावा वाहनों पर ऑड इवन स्कीम लागू की जाए या नहीं, इस पर भी निर्णय राज्य सरकारों को लेना है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।